दोस्तों जिधर देखो जिसको देखो जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में ही बता रहा है। अगर आप लोग यूट्यूब पे बैंक अकाउंट ओपनिंग का वीडियो सर्च करोगे तो उसमें आप लोग को 90% से ज़्यादा जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में लोग ही बताएं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट हम ओपन करते हैं तो उसमें हमें ढेर सारी लिमिटेशन भी मिलती है, जहाँ एक और कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं उसके अलावा आपको ढेर सारी लिमिटेशन भी मिलती हैं जो आपको समय समय पर नुकसान ही पहुँचाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोग को जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही योग्य हो जाओगे कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं, और इसके अलावा कितनी सारी लिमिटेशन होती हैं, क्या क्या आपको फायदे मिल जाते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों बिना समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फायदा नुकसान की बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि BSBDA अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता क्या है। तो फ्रेंड जीरो बैलेंस अकाउंट 2012 में RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि इसके पहले भी जीरो बैलेंस अकाउंट चलता था, बट इसका नाम नो फ्रिल्स अकाउंट करके चलता था 2012 के पहले। बट 2012 के बाद RBI ने इसका नाम बदलकर BSBDA अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट रख दिया। तो इसके अंतर्गत जब हम अकाउंट किसी भी बैंक में अपना ओपन करते हैं तो हमें जीरो बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी बैंक जिस बैंक में भी हमारा अकाउंट है और उस बैंक के हिसाब से हमने जो मिनिमम बैलेंस लिमिट है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे ऊपर चार्जेस नहीं लगते। तो जीरो बैलेंस अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें जीरो बैलेंस अपना अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ ही हमें कभी भी अपना मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर कोई भी चार्जेस भी नहीं लगाए, जबकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अगर हम अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके साथ ही जीरो बैलेंस अकाउंट में हमें पासबुक और ATM कार्ड वगैरह फ्री में मिल जाते हैं। बट आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा पहली बार ही आप जब इशू करवाते हैं डेबिट कार्ड या कि पासबुक या फिर चेकबुक, वो पहली बार ही आपको फ्री में दिए जाते हैं। सेकंड बार आप जब भी अपना पासबुक भर जाए या फिर डेबिट कार्ड खो जाए या फिर आपका चेकबुक भर जाए तो सेकंड बार जब भी आप इशू करवाने जाएंगे तो आपसे चार्जेस बैंक के द्वारा लिए जाएंगे। इसके साथ ही जीरो बैलेंस अकाउंट में हमें चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे नेफ्ट हो, RTGS हो, IMPS हो, UPI के थ्रू कोई पेमेंट कर रहे हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। इसके साथ ही जीरो बैलेंस अकाउंट में इनकम और ए से संबंधित कोई भी फाउंडेशन नहीं होती और इंटरेस्ट भी आपको जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वही इंटरेस्ट आपको जीरो बैलेंस अकाउंट में भी मिलता है। दोस्तों ये तो हो गए जीरो बैलेंस अकाउंट के फायदे जो कि आपको लगभग सभी लोगों ने बताया गया, बट जीरो बैलेंस अकाउंट में जो नुकसान होते हैं या फिर जो लिमिटेशन होती है वो आपको कोई नहीं बताता। तो सबसे पहले लिमिटेशन आप लोग कान खोल के जरूर सुनिएगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट में आप लोग को कभी भी 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट अपने अकाउंट में रखने की अनुमति नहीं होती है। इससे आती जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट होती है जीरो बैलेंस की सालाना वो भी 1,00,000 रुपये होती है। यानी कि आप लोग एक साल के अंदर आपकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट भी 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मंथली ट्रांजेक्शन की। तो मंथली ट्रांजेक्शन में भी आप लोग एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि मंथली जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 10,000 रुपये है। और डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से जो ट्रांजेक्शन करने की आपको लिमिट मिलती है वो भी महीने के 4 ही बार मिलती है, यानी कि महीने में 4 ही बार आप लोग अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जबकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको सभी बैंकों का वेरी करता है, कुछ बैंकों में आपको 10 बार दी जाती है, कुछ बैंकों में 8 बार, जिसमें 5 बार सेम बैंक के ATM से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 और 5 बार आप लोग को अदर बैंक के ATM से आपको ट्रांजेक्शन करने की छूट मिलती है। दोस्तों ये थी जीरो बैलेंस अकाउंट की लिमिटेशन जो आपको कोई नहीं बताता। हमें इस बात को खुद ही सोचना चाहिए कि क्या हमें कौन से अकाउंट की हमें ज़रूरत है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं या फिर आपकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो महीने में कम है या फिर सालाना कम है तो आप लोग के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है। बट अगर आप लोग की ट्रांजेक्शन लिमिट ज़्यादा है तो फिर आप लोग हमेशा नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही प्रिफर करिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग किसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आप लोग उस बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, अलबत्ता आप लोग उसमें फिक्स डिपॉजिट इसके साथ रिकरिंग डिपॉजिट आप ओपन कर सकते हो बट नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जो अगर आप लोग को नॉर्मल अकाउंट ओपन करने का मन कर रहा है तो फिर आप लोग का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसी को आप लोग को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और आपको एक सादे पेज पर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लिख के एक अपने किसी भी आईडी के साथ जमा कर देंगे तो आप लोग का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी अभी संदेह है तो आप लोग निसंकोच हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वाला, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।